अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 और मैं हूं जिला सीतामढ़ी रिपोर्टर दीपक पटेल। आज मैं सुपी प्रखंड के घरवारा पंचायत वार्ड नंबर 2 में हूं और जहां पे ग्रामीण की समस्या बहुत बड़ी है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जहां पे शौच का अब कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण से हमें रोड पे शौच के लिए बैठना पड़ता है। समस्या क्या है जानते हैं यहाँ के वार्ड सदस्य गुड्डू जी से और यहाँ के ग्रामीण से। हम जानना चाहते हैं कि आपके ग्रामीण समस्या काफी दिख रहा है, यहाँ पे आप वार्ड सदस्य हैं, क्या समस्या है, किसके कारण से लोग महिला लोग या जेंट्स लोग सड़क पे जाके शौच करते हैं, क्या कारण है? सबको सरकारी जमीन की कमी है, वो जो है जाता है शौच करने के लिए रोड पे या सड़क पे जहाँ भी जाता है, जमीन के पे उसको शौचालय नहीं बना हुआ इसलिए वो जाता है। मतलब कितना व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जमीन ही नहीं है शौचालय बनाने के लिए? 15 आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है, वो शौचालय नहीं बना सकता। और शौचालय बाकी लोग का मिल गया है आप लोगों का? नहीं, बहुत आदमी 15 आदमी है जिसको पैसा नहीं मिला हुआ है, इसके चलते जो है वो जो है बात नहीं मानता है, जो बोलते हैं तो हमको जो है कहता है कि आप वार्ड है हमको पैसा दिलवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू पासवान है, मेरा घर घरवारा है, घरवारा पंचायत वार्ड सदस्य रूप का वार्ड सदस्य हैं हम। हमारे वार्ड में स्वच्छ शौचालय के जो निर्माण हुआ उसको जो बहुत आदमी को पैसा नहीं मिला हुआ है, इसके चलते जो है बहुत आदमी जो है अभी रोड पे शौच के लिए जाता है। ग्रामीण समस्या यही है कि 3 वार्ड में जो है बना हुआ है शौचालय जहाँ पे जरूरत नहीं है जी। हमारे यहाँ बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति के जगह आदमी के वहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे लोग नहीं जाने देता है। शौचालय का पैसा उसे मिला है आप लोग का? शौचालय नहीं बना है घर में, हमको यही हाल है जी। हमको तो यही किया जाए बनाइए शौचालय बनाइए, आपको पैसा आएगा। हम तो कर्जा पैसा कर शौचालय बना लिए, आज तक पैसा नहीं आया। कितना बार कागज अप्लाई करे, सूखी गए।